हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जेडीबी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। टुडेज माई टॉपिक इज केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में जानने से पहले हम इनकी पीरियोडिक टेबल में क्या पोजिशन होती है वो देखते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 18 ग्रुप तक 7 पीरियड होते हैं, और जो पीरियोडिक टेबल होती है वो चार भागों से मिलकर बनी हुई होती है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक। अब इन ब्लॉक्स का नाम एस पी डी एफ क्यों रखा गया? ये इसलिए रखा गया कि जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में एंटर करता है, जबकि डी ब्लॉक के एलिमेंट में जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। इसी प्रकार पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ऑर्बिटल में एंटर करता है। पीरियोडिक टेबल में जो स्टार्टिंग के दो कॉलम हैं उन्हें हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, जबकि जो बीच के जो 10 कॉलम्स हैं उन्हें हम डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं, जबकि जो लास्ट की जो 6 कॉलम है उन्हें हम पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं, और जो नीचे के दो कॉलम हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड उन्हें हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जबकि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में मेटेलिक कैरेक्टर पाया जाता है, जबकि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटेलिक होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। इन जनरल एनी एलिमेंट विच करस्पॉन्ड्स टू द डी ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप 3 to 12 इट कंसिडर टू बी अ ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक के जो एलिमेंट है उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में कंसिडर करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट इनकी पोजिशन के आधार पर कहा जाता है, जो कि एस और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अपन ने जो पीरियोडिक टेबल देखी थी उसमें आपने देखा था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के जस्ट बाद रखते हैं, तो एस ब्लॉक के जो पास वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट है स्केडियम और इट्रियम में एस ब्लॉक के कैरेक्टर पाए जाते हैं। अब एस ब्लॉक के कैरेक्टर क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इस कारण जो डी ब्लॉक के स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट्स है जो एस ब्लॉक के जस्ट बाद प्रेजेंट होते हैं स्केडियम और इटेरियम में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कैरेक्टर पाया जाता है। लेकिन जब एक ग्रुप में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो ये कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होने लगता है, जिससे डी ब्लॉक के जो लास्ट के एलिमेंट जिंक, कैडमियम और मर्करी तथा इनके जस्ट बाद आने वाले पी ऑर्बिटल पी ब्लॉक के जो एलिमेंट गैलियम, इंडियम और थेलियम में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तथा मेटेलिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। इन कैरेक्टर का एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांसफर ही ट्रांजिशन कहलाता है। अतः डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि ये एलिमेंट किसी पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तथा मेटेलिक कैरेक्टर को एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफर कर देते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट का एक स्पेशल कैरेक्टर ये भी है कि ये केमिकल बॉन्ड बनाने में अपने डी ऑर्बिटल्स को यूज में लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक डेफिनेशन और दी गई, और जो ये डेफिनेशन है वो ये सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार ये वो एलिमेंट है जिनमें अपने एटोमिक स्टेट या किसी भी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल पाए जाते हों। अतः इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो D1 से लेकर D9 हो सकता है। जिन एलिमेंट्स का एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर D9 तक होगा सिर्फ उन्हें ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में जानते हैं। इसी कारण जिंक, कैडमियम और मर्करी है उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि इनमें जो डी ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड होता है। तो सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जबकि सभी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो N-1 D1 to 10 NS-1 to 2 होता है। N-1 डी ऑर्बिटल में एक से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि जो NS ऑर्बिटल है उसमें एक या दो ऑर्बिटल हो सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को
चार सीरीज में बांटा गया है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। तो फर्स्ट की तीन सीरीज है, 3D, 4D और 5D, वो पूरी तरह से कंप्लीट है, बट जो लास्ट की 6D सीरीज है वो अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। जो 3D सीरीज है उसमें स्केडियम से लेकर जिंक तक के एलिमेंट शामिल है, जबकि जो 4D सीरीज है उसमें इटेरियम से लेकर कैडमियम तक के एलिमेंट शामिल है, जबकि जो 5D सीरीज है उसमें लेंथेनम से लेकर मरकरी तक के एलिमेंट शामिल है। अकॉर्डिंग टू आबुरू 3D ऑर्बिटल में 4s ऑर्बिटल के बाद ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, क्योंकि जो 4s ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो 3D ऑर्बिटल से कम होती है। अतः जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो सबसे पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में होगी, तो जो 4s ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए जाते हैं। इसी कारण ट्रांजिशन एलिमेंट की जो फर्स्ट सीरीज है वो पीरियोडिक टेबल की फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होगी, उसी प्रकार 4D सीरीज 5th पीरियड से स्टार्ट होगी और जो 5D सीरीज है वो 6th पीरियड से स्टार्ट होती है। पीरियोडिक टेबल में किन्हीं भी दो तत्वों की समानता और असमानता को आप कैसे डिफाइन करोगे, इसके लिए दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। यदि दो तत्वों का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सभी अल्कली मेटल का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 होता है, अतः इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। इसी कारण ये सभी मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेती है। इस कारण ये मेटल हाईली रिएक्टिव होती है, स्ट्रॉन्ग रेडिएशन एजेंट होती है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। इसी प्रकार जो समस्त हेलोजन्स हैं उनका भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2NP5 होता है, अतः इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। ये सभी जो एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में ये कैसे वेरी करता है वो देखते हैं। जब एक पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, अतः इनके कैरेक्टर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जबकि जब एक क्लास में हम अप टू डाउन आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, अतः गुणों में आवर्तिता आती जाती है। जो सेकंड फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट अफेक्ट करता है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे क्लोरीन एटम है उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3s2 3p5 होता है, लेकिन जो ब्रोमीन है उसका भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p5 होता है। दोनों का सेम है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती है ड्यू टू इनके एटॉमिक साइज के कारण। एक क्लास में जब हम अप टू डाउन आते हैं तो एक सेल बढ़ जाता है तो इनकी साइज भी बढ़ जाती है, जबकि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेल सेम रहता है बट एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है। तो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन के प्रति जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, इस वजह से इनकी साइज डिक्रीज हो जाएगी। एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट के कारण ही जो क्लोरीन एटम और ब्रोमीन एटम है उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है। क्लोरीन है वो गैस के रूप में पाई जाती है, जबकि ब्रोमीन है वो लिक्विड के रूप में पाई जाती है, जबकि इसके बाद आने वाला जो एलिमेंट है आयोडीन वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट के रेस्पेक्ट में देखते हैं। जो फर्स्ट फैक्टर था वो ये था कि अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। अतः जो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 होता है, कभी कभी NS1 भी होता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए। जो सेकेंड फैक्टर था वो एटोमिक साइज ऑफ एलिमेंट था। ट्रांजिशन एलिमेंट का एटोमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इनकी साइज में कमी आती है, और ये जो कमी है वो बहुत कम आती है। जो बीच के एलिमेंट्स हैं उनकी साइज लगभग सेम होती है। इसका रीजन है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसे हम जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब विस्तार से समझेंगे। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ इनकी साइज डिक्रीज होती जाती है। इसे हम इस फिगर के साथ आसानी से समझ सकते हैं। जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या स्केडियम से जिंक की तरफ मूव करते हैं तो
एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाती है, लेकिन जो बीच के एलिमेंट है क्रोमियम से लेकर कोबाल्ट तक, वहां पर साइज लगभग समान होती है। इसका रीजन है सिल्लिंग इफेक्ट। अब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d(n)4s(2) होता है, और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 1 से लेकर 10 तक हो सकती है। बट इन केस ऑफ क्रोमियम और कोबाल्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। क्रोमियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d(4)4s(2) होना चाहिए, जबकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d(5)4s(1) होता है, क्योंकि जो 3d ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल है उनके बीच का जो एनर्जी गैप बहुत कम होता है। इससे 4s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में चला जाता है और ये स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। उसी कारण कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 3d(9)4s(2) होना चाहिए, जबकि 3d(10)4s(1) होता है। सेम इसी में भी ऐसे ही होता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 4s ऑर्बिटल से 3d ऑर्बिटल में चला जाता है, जिससे 4s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड तथा 3d ऑर्बिटल फुल फिल्ड स्टेट में आकर एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। यहाँ पर जो टेबल दी गई है उसमें आप लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से समझ सकते हो। हम जानते हैं कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स शामिल हैं। इनके सिंबल है, एटॉमिक नंबर 21 का सिंबल स्केडियम, 22 का टाइटेनियम, 23 का वेनेडियम, 24 का क्रोमियम, 25 का मैग्नीज, 26 का आयरन, 27 का कोबाल्ट, 28 का निकल, 29 का कॉपर, 30 का जिंक, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें दिया गया है। जैसे स्केडियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d(1)4s(2) होता है, टाइटेनियम का 3d(2)4s(2) होता है, वेनेडियम का 3d(3)4s(2) होता है, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट वो 3d(5)4s(1) होता है, जबकि कितना होना चाहिए था 3d(4)4s(2)। इसका जो रीजन है वो मैंने पिछली वाली स्लाइड में आप लोगों को बता दिया था। मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d(5)4s(2) होता है, फेरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d(6)4s(2) होता है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d(7)4s(2) होता है, निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d(8)4s(2) होता है, कॉपर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d(10)4s(1) होता है, जिंक का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d(10)4s(2) होता है। अब इनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाती है वो सेकंड वाली टेबल में बताया गया है। जैसे स्केडियम है, स्केडियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d(1)4s(2) होता है, 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है जबकि d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और आप लोग जानते हो कि जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुंड के रूल के अकॉर्डिंग की जाती है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज दी गई है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कलर्ड कंपाउंड या आयन का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स का डीडी ट्रांजिशन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या इनकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो पैरा मैग्नेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो बहुत सारे स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका जो चार्ज टू जो रेडियस रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनकी डेंसिटी अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो हार्ड होते हैं। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ द डीलोकलाइजेशन डी इलेक्ट्रॉन इन मेटेलिक बॉन्डिंग। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं ड्यू टू डीलोकलाइज ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। इन प्रॉपर्टीज को हम आगे की जो नेक्स्ट अपना जो लेक्चर होगा उसमें से समझेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके अंतर्गत हम एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कैटलाइट
कैटलिस्ट के रूप में बिहेव करती है, कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाती है, कलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है, और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे।